सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। गुरु जी का आशीर्वाद उनके प्रवचन के माध्यम से तो सबको मिलेगा ही, और व्यक्तिगत रूप से भी हमारी कोशिश रहेगी कि सबको गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। सभी अपनी अपनी महिलाएं हमारी कार्यकर्ता संगठन सभी अपना अपना एक बार स्थान ग्रहण कर लें। प्रदीप जी से भी अनुरोध है कि वे आसन ग्रहण करें। मैं आप लोगों का और हमारे अतिथियों का अधिक समय न लेते हुए आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो लोग पीछे बैठे हैं वे कृपया सामने की ओर आ जाएं। कुछ लोग सामने आ जाएं जिससे पुनः एक बार महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन नागपुर जिला की ओर से महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की राज्य इकाई की ओर से मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करता हूं और मंच की आगे की कार्रवाई के लिए भाई गोपी टिबड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन नागपुर इकाई की तरफ से आप सभी को इन शब्दों के साथ मैं अभिनंदन करता हूँ। ना फूल है ना चंदन है, बस रिश्तों का एक बंधन है। आप सब पधारे इस आयोजन में, आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन है, आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन है। इस आयोजन को प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस आयोजन में जो अभी तक आप भजनों का आनंद ले रहे थे वे बहुत ही सुंदर वाणी में अपने जो मधुर भजन आपको सुना रहे थे उन सब का मैं आपकी तरफ से और आयोजन की तरफ से धन्यवाद अदा करूंगा। श्री देवेश जी प्रभु, मानमय प्रभु, रणवीर प्रभु, कृष्णा प्रभु, तेजस प्रभु, शुभम प्रभु और प्रथमेश प्रभु जी, ये सब एस्कॉन से जुड़े हुए हैं जो विश्व की एक कृष्ण भक्ति की बहुत बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से ये आपको अभी सुना रहे थे, तो मैं चाहता हूँ एक तालियां उनके लिए भी आपके द्वारा हो जाए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम मंच के ऊपर में कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं उनको मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया एक बार मंच के पीछे में आ जाएं। मैं सभी का नाम ले नहीं पाऊं शायद, क्योंकि समय अभाव है, इसलिए सभी कार्यकारिणी के सदस्य कृपया मंच के पीछे आ जाएं। हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया मंच के पीछे आ जाएं। श्रीमती अंजू राजेश अग्रवाल, श्रीमती दीपा सचिन अग्रवाल, श्रीमती रजनी संजीव अग्रवाल, श्रीमती ज्योति संदीप अग्रवाल, श्रीमती दीप्ति संदीप अग्रवाल, श्रीमती सविता दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल, श्री आदित्य केजरीवाल, अर्पित राजेश अग्रवाल, अर्पित गिरधारी अग्रवाल, यश अग्रवाल, शशांक अग्रवाल, आशीष दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, नटवर खेमका जी, विनोद अग्रवाल जी, सी अशोक अग्रवाल, मनीष राजकुमार जैन, विशाल अग्रवाल, संजय बालकिशन गोयल, उमेश गोविंद अग्रवाल, श्री विजय रामेश्वर अग्रवाल, रमेश बोधनलाल अग्रवाल, गजाधर हरिप्रसाद मेहाड़िया, सचिन मनोहर अग्रवाल, अजय विजय जैन, सी ए विवेक राजकुमार खेमका, प्रहलाद अग्रवाल, संजय गुप्ता, शैलेश सुरेश अग्रवाल, विजय सत्यनारायण लोहिया, सी ए शंभू टेकड़ीवाल एवं मैं स्वयं आपके सामने गोपी कृष्ण टिबड़ा यहाँ मौजूद हूँ। प्रेरणा महिला संगठन की भी सभी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया वो भी एक बार मंच के पीछे आ जाएं ताकि हम तुरंत आयोजन को प्रारंभ करें।
वो भी हमारी इस आयोजन में सहयोगी संस्था है, प्रेरणा महिला संस्था। इसी कड़ी में मैं नागपुर इकाई के पदाधिकारियों को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं, कृपया वे भी मंच पर अपना स्थान लें। श्री राजेश श्याम सुंदर अग्रवाल, कविता सिंघानिया, श्रीमती अनीता अमित अग्रवाल, गिरीश गुलाबचंद लीलड़िया, अभय पुरुषोत्तम अग्रवाल, अशोक रामरिचपाल अग्रवाल, विश्व लालचंद, विक्की गर्ग, जगदीश विशंबर खेतान और हमारे अध्यक्ष संदीप बद्री प्रसाद जी अग्रवाल, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। उसी कड़ी में नागपुर सम्मेलन के आधार स्तंभों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जिसमें आधार स्तंभ के रूप में हमारे सामने श्री दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल, श्री राजकुमार जी जैन, एडवोकेट बीजे अग्रवाल जी को मैं सम्मान मंच पे लाने का हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया उनको भी सम्मान मंच पे लेके आए। श्रीमती आशा लालचंद जी गर्ग, महिला कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि उन्हें भी सम्मान मंच पे लेके आए। श्री अरुण कुमार जी अग्रवाल, उनसे भी अनुरोध है कि उनको भी सम्मान मंच पे लेके आए। ये हमारे इस अग्रवाल सम्मेलन नागपुर इकाई के आधार स्तंभ है, प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। हमारे अब प्रतिष्ठित अतिथि गण के रूप में मैं श्री प्रदीप जी मित्तल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वे मंच पे पधार चुके हैं और आप सब लोगों से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन चाहूंगा। उसी कड़ी में श्री महेश कुमार जी अग्रवाल, उनको मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया सम्मान मंच पे लेके आए। उसी कड़ी में हमारे अगले प्रतिष्ठित अतिथि हैं श्री संजय कुमार जी। मैं हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया उन्हें भी सम्मान मंच पे लेके आए, वो शायद अभी कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं। इसी तरह मंच हमारा सज चुका है, अतिथियों के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पानी ना हो तो नदियां बेकार, किस काम की नदियां बेकार है, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, और आप जैसे अतिथि ना हो तो ये आयोजन किस काम की। हमारे ऐसे आदरणीय अतिथि मंच पे पधार चुके हैं और मैं मंच संदीप अग्रवाल जी को देता हूं। महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन नागपुर जिले के आधार स्तंभ और हमारे परे भाई श्री अरुण कुमार जी अग्रवाल का आगमन हो चुका है। मैं दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि अरुण अग्रवाल जी और साथ में पधारी हमारी भाभी जी को ससम्मान मंच पर लाए।
मैं पुनः परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करते हुए और उनसे आज के इस आयोजन में हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं और भक्तों से यदि कोई कमी रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए, तो मैं चाहूँगा कि गुरुजी और हमारे समस्त अतिथि हमें क्षमा प्रदान करें, लेकिन क्षमा के साथ ही हमें वह शक्ति प्रदान करें कि जिससे हमें इस प्रकार के आयोजन और भी आगे करते रहने में संबल प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो। पुनः एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं चाहूँगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज के कार्यक्रम का हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। जैन साहब आप आइए ऊपर मंच पे। हमारे एक और आदर स्तंभ आदरणीय राजकुमार जी जैन भी मंच पर पधार रहे हैं और उसके पहले हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो प्रमुख आदरणीय पदाधिकारी भी उपस्थित हुए हैं, श्री बी आर शंकरानंद जी जो विगत अनेक वर्षों से जो है आरएसएस के प्रचारक हैं, मैं उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ, और उन्हीं के साथ श्री शिवव्रत महापात्र जी भी उपस्थित हैं जो भारतीय शिक्षण मंडल के प्रमुख पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी यहाँ महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन और समस्त श्री कृष्ण कृपा संघ की ओर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हम कार्यक्रम को आगे की क्रम की ओर ले जा रहे हैं, हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हमारे देवी देवताओं का आह्वान, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण और कृष्ण के मनीषी के रूप में स्वामी जी यहाँ साक्षात मौजूद है। आप सभी उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करें और पूजा अर्चना दीप प्रज्वलन के क्रम के लिए मैं हमारे बीच पधारे अतिथियों और स्वामी जी को मैं कष्ट न देते हुए दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करूँगा। हाँ, महाराज जी रहेंगे, महाराज जी का आशीर्वाद, दीप प्रज्वलन। पहले जो है 2 मिनट स्वस्ति वाचन के लिए मैं पंडित राघवेंद्र शास्त्री जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। राघवेंद्र जी आप मंच पर आए और विधि विद्वान पूर्वक जो है, मैं तब तक ये जो आपके सामने कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। सभी कर्मठ कार्यकर्ता कृपया मेरे 2 शब्दों की तरफ ध्यान दें। मौसम हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और कर्मठ कार्यकर्ता किसी संस्था में हो तो आप जैसा। जोरदार तालियां इन कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए, इनके सहयोग से ये आयोजन आगे बढ़ रहा है और अब विधि विधान से पूजा अर्चना के लिए हम आगे बढ़ते हैं। वाचन के लिए गुरुजी यहाँ मौजूद हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, प्रखदश्वामरुतः प्रश्निमातरः, शुभम यावानो विदथे सुजग्मयः, अग्निजिह्वा मनवः शूरश्चक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवा पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः, शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्र नश्चक्राजरसं तनूनां, पुत्रासो यत्र पित्रो भवन्ति मानो मध्यारीरिसतार्युगन्तो, अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्, द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु, तं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ॐ सुशान्तिर्भवतु। ॐ
शांति 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 हे। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में दीप प्रज्वलन करते हुए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि उनके आशीर्वाद से समस्त धरती जो है पूरित हो। और मैं थोड़ा सा सबसे संदीप भैया अपने पदाधिकारियों को थोड़ा एक तरफ कीजिए और अपने जो आज के अतिथि है मोमबत्ती जलवा राजेश भैया मोमबत्ती जला के दो और थोड़ा फोटोग्राफी के हिसाब से घेरा बड़ा कर लीजिए। हमारे बीच आज अनेक दूरस्थ क्षेत्रों से महानुभाव अतिथि पधारे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सभागृह में अपना स्थान ग्रहण करें प्रथम पंक्ति में। हमारे बीच माननीय श्री श्याम जाजू जी भी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहे जाते हैं वे भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ और उनसे भी अनुरोध करूँगा और जो भी साथ में अतिथि आए हैं वे सामने की पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। सभी हमारे जो सम्मेलन के कार्यकर्ता हैं वे अतिथियों को सम्मानपूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान कराएं। पवन जी, भगवान श्री कृष्ण जी के सम्मान में आप जो दो बोल बोलना चाहें, कुछ पंक्तियां बोलना चाहें। माइक ऑन कीजिए भैया स्टेज। ओम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मान इज्जत भी तुमने बढ़ाई, मान इज्जत भी तुमने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से घर भर दिया, मेरे दाता तेरा शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे पुनः प्रार्थना है कि हमारे इस स्वागत के क्रम में अपना समस्त सहयोग प्रदान करें। हमारी परंपरा है हमारे अतिथियों के स्वागत की सब प्रकार से बंद करते हैं। उसके पूर्व मैं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से स्वागत के लिए भाई संदीप अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि शब्द सुमनों से जो है आज के इस आयोजन की संक्षिप्त भूमिका रखते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन करें। महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूँ, माता माधवी के चरणों में नमन करता हूँ, मंच पर विराजे परम आदरणीय गुरुजी स्वामी ज्ञानानंद जी के चरणों में
नमन करता हूँ। सत्संग का कार्यक्रम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ थोड़ी सी बातें आपके बीच साझा करना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मन में ऐसी इच्छा थी कि सनातन धर्म का एक कार्यक्रम अग्रवाल समाज द्वारा नागपुर में कराया जाए। पिछले साल आदरणीय गुरुजी का नागपुर में आगमन हुआ था, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल जी उनके साथ आए थे। प्रदीप जी के आदेश पर हम लोग सब गुरुजी के से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। उस दिन मैंने गुरुजी को एक छोटा सा सुझाव दिया था कि गीता जो है रे जन जन तक के पहुंचाने का आपका जो माध्यम चल रहा है रे बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि नागपुर में गीता फॉर प्रोफेशनल, गीता फॉर स्टूडेंट्स, गीता फॉर यूथ, गीता फॉर चिल्ड्रन, इन विषयों पर नागपुर में एक कार्यक्रम होना चाहिए। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का गुरुजी ने आतिथ्य स्वीकार किया और इस कार्यक्रम के लिए हामी भरी। समस्त नागपुर अग्रवाल समाज गुरुजी का आभारी है और गुरुजी का आशीर्वाद समस्त समाज पे, समस्त नागपुर नगरी पे बने रहे। नई शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय अग्रसेन। धन्यवाद भैया। अब मैं अतिथियों के स्वागत और सत्कार के लिए दुर्गा बाबू को मंच आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि अतिथियों का स्वागत और सत्कार हमारी परंपरा रही है। संक्षिप्त में हम उनका यहाँ स्वागत करेंगे और इन शब्दों के साथ मैं उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि पलकें झुकाकर प्रणाम करते हैं, हम पलकें झुकाकर प्रणाम करते हैं, इस दिल की दुआ आपके नाम करते हैं, मंजूर कर लेना जरा मुस्करा कर, हम तो मेहमान नवाजी में अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच कमिश्नर ऑफ कस्टम श्री संजय कुमार जी भी मंच पर पधार चुके हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि संजय कुमार जी का भी तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। क्षमा करें, जैसा नियोजन तो हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार भी थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ता है। मैं माननीय गुरुजी की आज्ञा से आगे के क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे बीच हमारे समस्त माननीय अतिथि पधार चुके हैं और कुछ हमारे अतिथि हैं जो गुरुजी का स्वागत अभिनंदन करके अपनी आगे की यात्रा पर भी प्रस्थान करना चाहते हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वे 5-7 मिनट का योगदान हमें दें। मैं इसके पहले कि परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी का शब्दों के माध्यम से तो हमारे पास शब्दों की मर्यादा है, मेरे पास तो उतने शब्द नहीं है कि उनका किन शब्दों में अभिनंदन स्वागत करूं। मैं स्वागत पूर्व उनके परिचय के लिए गुरु जी के साथ, स्वामी जी के साथ वर्षों से जुड़े हुए और जो जियो गीता इंटरनेशनल संगठन जो गुरु जी चला रहे हैं उसके राष्ट्रीय महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव और हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के चेयरमैन, और मेरा वर्ष उनसे लगभग, मैं समझता हूँ कि वो लगभग 50 वर्षों से जो है सामाजिक कार्यों, धार्मिक कार्यों में अग्रवाल समाज की विशेष सेवा में लगे हुए ऐसे आदरणीय प्रदीप मित्तल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे गुरु जी का परिचय कराएं, जिससे हम आगे उनका स्वागत का क्रम शुरू करें। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज देखो बाहर तक जानी चाहिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धे गीता मनीषी महामंडलेश्वर
स्वामी ज्ञानानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। महाराज अग्रसेन, माता माधवी के, भगवान कृष्ण के और सभी मेरे बुजुर्ग जिनके चित्र लगे हैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ। महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन एवं उसके अंतर्गत नागपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित इस सत्संग के प्रोग्राम में मैं जियो गीता इंटरनेशनल की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे दुर्गा जी ने कहा कि मैं गुरुजी का परिचय थोड़ा सा दूँ। देखो, गुरुजी का परिचय कराना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है, फिर भी क्योंकि अगर मुझे कहा गया है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि कुछ शब्दों में महाराज श्री का परिचय आपको दूं। महाराज श्री लगभग 3-4 दशकों से इस देश में सामाजिक कार्यों में, विशेषकर सेवा के कार्यों में लगे, और सेवा के कार्यों में जो प्रमुख उन्होंने कार्य प्रारंभ किया वो गौ सेवा के साथ गीता का प्रचार। गीता घर घर पहुंचे, घर घर का श्रृंगार बने, ये उद्देश्य लेके वो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है, आदरणीय जाजू जी मंच पर हैं, वो जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में 5 कंट्रीज में गीता जी को स्थापित कराया गया, जिसमें यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस और श्रीलंका की पार्लियामेंट हाउस में गीता जी को स्थापित कराया, उसका श्रेय जाता है तो मान्यवर गीता मनीषी जी को जाता है। मतलब इनके मन की लगन की ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व के कोने कोने में गीता घर घर पहुंचे, क्यों गीता एक केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, गीता टीचिज यू द वे ऑफ लिविंग, वो आपको जीना सिखाती है, जीने का ढंग सिखाती है। इस उद्देश्य से घर घर पहुंचे गीता, इसी उद्देश्य से हमारे महामहिम, हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी कार्य कर रहे हैं। हजारों की संख्या में गौशालाओं का संचालन गुरुजी के नेतृत्व में हो रहा है। सेवा के जितने भी प्रकल्प हो सकते हैं, छोटे से छोटा उदाहरण ले, चाहे वो हेल्थ का हो, मेडिकल से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का हो, हर चीज में महाराज श्री प्रथम पंक्ति में रहकर उस सेवा को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। इस देश की सेवा, देश में देश की संस्कार, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, इसका प्रचार करने में महामंडलेश्वर जी का प्रथम पंक्ति में स्थान रहता है। हमेशा इसी कार्य के लिए वो अपना, सही पूछे तो अपना जीवन पूरा उन्होंने इसी कार्य के लिए लगा रखा है। महाराज श्री के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में, वैसे तो महाराज श्री का स्थान पूरे विश्व में है, लेकिन विशेषकर वृंदावन, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में विशाल आश्रमों में महाराज श्री का आवास रहता है, जहाँ पर बहुत विशाल कार्य, इवन गुरुकुल से लेके सभी कार्य जो चाहिए वो चल रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में तो गीता ज्ञान संस्थानम के नाम से एक विशाल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता म्यूजियम, गीता लाइब्रेरी, गीता लाइट एंड साउंड शो, गीता गुरुकुल और ना जाने कितने प्रकल्प, में आपको कितने गिनाऊं, गीता हेल्थ से जुड़े हुए, नेचर केयर, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र में चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र वो स्थान जहाँ से गीता की, हम कहें कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उस स्थान पर विशेषकर महाराज श्री के जो प्रयासों से गीता ज्ञान संस्थानम के अंतर्गत विशाल कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है, वो सब कार्य चल रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुए, चल रहे हैं, उनका निर्माण लगातार चल रहा है। तो मैं भी अधिक, क्योंकि समय नहीं लेना चाहूँगा, कि ऐसे महामंडलेश्वर हमारे बीच में है,
हम उनसे कुछ सीखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें, कुछ अगर उनकी बातों से आज आपने एक लाइन भी अपने जीवन में उतार ली तो मैं समझता हूं आपका जीवन सफल हो जाएगा। और ये तो गुरु हैं, आप ये भी सब मान के चलें कि बाहर हमने एक रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया है कि आप सब जो भी गीता जी से जुड़ना चाहते हैं, वो चाहे गीता जी गुरु जी के शिष्य हैं या नहीं है या किसी रूप में भी जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम एड्रेस हमें अवश्य देकर जाएं, जिससे भविष्य में पूरे विश्व में कहीं भी कोई कार्यक्रम होगा उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगी, महाराज श्री के लेख, महाराज श्री की पुस्तकें आप तक पहुंचती रहेंगी, समय समय पर जो भी ज्ञान होगा महाराज श्री के रोज के संदेश हैं, स्वयं अपने मुख से वो बताएंगे अभी नए नए क्या उनकी योजनाएं हैं। अगर मैं पुस्तकों की बात करूं तो महाराज श्री ने गीता का वर्णन जिस प्रकार से सरल भाषा में किया है, गीता प्रेरणा के रूप में पूरे 700 श्लोकों को बड़े अच्छे तरीके से इस प्रकार से उसका वर्णन किया है कि हर व्यक्ति साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। उसके अलावा गीता फॉर प्रोफेसर्स, गीता फॉर प्रोफेशनल्स, गीता फॉर पॉलिटिशियंस, गीता फॉर प्रिजनर्स, गीता फॉर डॉक्टर्स, गीता फॉर टीचर्स, गीता फॉर स्टूडेंट्स, फैमिली के लिए गीता, ना जाने कितने प्रकार के संस्करण अलग अलग तरीके से महाराज श्री की कलम से निकलकर इस देश के सामने आए हैं कि गीता यानी गीता हर समस्या का समाधान गीता है। आप किसी व्यवसाय से जुड़े हो, किसी जॉब में जुड़े हो, वहाँ की हर बात गीता से निकलती है, तो वो सारा वर्णन आपको महाराज श्री के शब्दों में वर्णन में मिलेगा। तो ऐसे महान संत और आपके बीच में मैं अधिक नहीं रहना चाहता, मैं तो चाहूँगा कि आज आप उनसे सुनकर, एक ऐसे महान संत हमारे बीच में हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझेंगे कि आज आपको मौका मिला है हमारे महाराज राज अग्रवाल सम्मेलन के प्रयासों से कि आज उनका या इस सभागार में उनका प्रवचन उनकी ज्ञान गंगा के रूप में यहाँ आपको सीखने को मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और महाराज श्री के चरणों में नमन प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मित्तल जी। मैं हमारे बीच उपस्थित नागपुर समाज के गौरव भाई जयप्रकाश जी गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधार करें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जय आप सबको मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सूचित कर रहा हूँ कि भाई जयप्रकाश जी गुप्ता का आज जन्मदिवस है, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और उनके द्वारा स्वागत का मैं आगे उनके माध्यम से भी स्वागत करवाऊंगा गुरु जी को। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गुरु जी से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और वे शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, कुशल मंगल हो, महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन को उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे बड़े भाई के रूप में। उनका मैं यहाँ महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई संदीप अग्रवाल, विके विषव गर्ग, अशोक अग्रवाल और अरुण अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे संयुक्त रूप से महाराज जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प मालाओं और उसके शाल श्रीफल के द्वारा करें। भाई अरुण जी आप ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस शब्दों में श्री कृष्ण जी के परम भक्त
और गीता उनके द्वारा प्रतिपादित गीता को, गीता के संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे स्वामी जी का महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से संदीप अग्रवाल जी, अरुण अग्रवाल जी, विकी गर्ग जी, अशोक अग्रवाल जी और हमारी महिला संगठन की कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद है, वे उनका गुरुजी के लिए मैं यही दो शब्दों में स्वागत साथ में करूंगा कि ग्रहों की तासीर बदल सकते हैं, ग्रहों की तासीर बदल सकते हैं, पत्थर की लकीर बदल सकते हैं, इनकी वाणी और ज्ञान में है इतनी ताकत कि सुनने के बाद हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो आज जो भी प्रवचन होगा ये आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या ग्रहण करके जा रहे हैं, लेकिन आप ग्रहण करके जाओगे तो जरूर अपनी तकदीर बदल पाओगे। हमारे बीच मैं आदरणीय मंच और गुरुजी की आज्ञा से आगे बढ़ रहा हूं और मेरी कोशिश है कि जितना संक्षिप्त हो सके स्वागत के क्रम को हम संक्षिप्त रखते हुए आगे बढ़ें। मैं आज के हमारे आज के इस आयोजन के अतिथि माननीय कस्टम कमिश्नर श्री संजय कुमार जी अग्रवाल, संजय कुमार जी खेमका का यहाँ स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ और उनके स्वागत के लिए भाई संदीप अग्रवाल जी और उनके साथ उनकी श्रीमती भी पधारी है। ये हमारे नागपुर के लिए परम सौभाग्य है कि श्री संजय खेमका जी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के वे स्वयं गुरुजी का स्वागत करें और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। थोड़ा सा हमने कुछ हेर फेर किया है कि गुरुजी के आगे हम अपना क्या स्वागत करें, तो गुरुजी से ही उनका अभिनंदन कराएं और हमारी परंपरा के अनुसार संगठन की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन शाल त्रिफल से करें। वो पेड़ा भी खोल देगा। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के दूसरे अतिथि आदरणीय महेश कुमार जी अग्रवाल, जो नागपुर के हमारे वरिष्ठ समाजसेवी हैं। आदरणीय श्री महेश जी अग्रवाल हमारे जो कार्यकर्ता है, कृपया उनको सामने, प्रहलाद जी आइए, शशांक जी आइए, अपने अतिथियों को सामने लेके जाइए। महेश अग्रवाल जी, आप सबको इनका अधिक परिचय न कराते हुए मैं गुरुजी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आदरणीय महेश जी के पूज्य पिताश्री राय साहब गोपी किशन जी अग्रवाल अपने जमाने में देश के जाने माने उद्योगपति तो थे ही और सबसे बड़े दानशूर धार्मिक व्यक्तियों की श्रेणी में उनका नाम था। ऐसे महान राय साहब गोपी किशन जी के सुपुत्र आदरणीय महेश जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनके माध्यम से गुरुजी का स्वागत और गुरुजी के द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच हमारे एक और महानुभाव अतिथि पधारे हैं, श्री श्याम जाजू जी। हमारे लिए गौरव की बात है कि वे नागपुर पधारे और नागपुर आने के बाद उन्होंने इस आयोजन को हमारे गरिमा प्रदान की। मैं उनका भी जो है स्वागत महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से करते हुए हमारे बीच और भी कई अतिथि मौजूद है जिनका शायद मैं नाम नहीं ले पा रहा। मैं स्वागत के क्रम के लिए और आगे बढ़ते हुए
आदरणीय अरुण अग्रवाल जी और उनकी हमारी आदरणीय भाभी जी से अनुरोध करूंगा कि वे यदि संभव हो तो आइए मंच पर और गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हम उनका स्वागत अभिनंदन करने जा रहे हैं। श्री अरुण भाई अग्रवाल और उनके सुपुत्र भी यदि हो देवेंद्र भाई तो कृपया वो भी आए। सभी से निवेदन है कि समय के अनुसार जो है थोड़ा सा शीघ्रता करें। लीजिए थोड़ा सा मनीष भाई साइड। हाँ, आगे के क्रम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती आशा लालचंद जी गर्ग को। उनके परिवार का भी आज के इस आयोजन में मैं सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उनके स्वागत के लिए संदीप भाई जी से बुलाए, अनीता भाभी और कविता जी, वे कृपया उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए सामने आए। और हमारे कार्यकर्ता बाकी गुरुजी के पास उनको ले जाएं, उनसे आशीर्वाद दिला करके उनका यथास्थान ग्रहण कराएं। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे और एक आधार स्तंभ आदरणीय बीजे अग्रवाल जी एवं परिवार का। उनके बाद मैं राजकुमार जी जैन से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि वे भी अपना स्वागत स्वीकार करें और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजकुमार जी जैन बोलो ना, तुम लोग सुनते हैं कि उसके बाद थोड़ी सी जो हेर फेर में कुछ भूल चूक भी हो सकती है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शशिकांत सिंघानिया जी। शशिकांत सिंघानिया जी और यदि हमारे बीच आदरणीय धर्मपाल जी अग्रवाल मौजूद हों तो कृपया वे भी पधारें। धर्मपाल जी अग्रवाल शशिकांत जी सिंघानिया एवं कविता सिंघानिया भी कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। चलिए कविता जी यहाँ मौजूद है। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई प्रहलाद अग्रवाल। हाँ, धर्मेश जी महाराज के रूप में आपका आध्यात्मिक योगदान काफ़ी हो रहा है और हमारे नागपुर अग्रवाल समाज के गौरव हैं। श्री धर्मपाल जी अग्रवाल, मैं उनका महाराष्ट्र राज्य एक बुके दे देना। संदीप भाई, उनसे आग्रह है कि धर्मपाल जी का महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। मैं आगे के क्रम में भाई प्रहलाद श्रीराम जी अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे जल्दी से महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद मैं एक मेरा भी थोड़ा सा लाभ लेना चाहूँगा स्वागत के क्रम में, तो मेरी श्रीमती सविता अग्रवाल जहाँ पे भी हो वो मंच पर आ जाएं, हम दोनों उनका स्वागत करना चाहेंगे। और उसके बीच मैं श्री कृष्ण कृपा परिवार जो यहाँ स्वामी जी का भक्त मंडल है उनके श्री अशोक धोटे दंपति जी को आमंत्रित करना चाहूँगा यदि वे यहाँ उपस्थित हो तो। उसके बाद श्री आनंद शर्मा दंपति, श्री आनंद शर्मा जी, उसके बाद श्री अभिजीत छेंद्रे जी, वे कृपया आ जाएं एक के पीछे एक, और श्री ऋषिकेश साकोरे जी, वे भी कृपया आ जाएं और गुरु जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए। और हमारे बीच श्री गणात्रा जी भी उपस्थित हों तो कृपया वे भी आ जाएं और शीघ्रता शीघ्र गुरु जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रविंद्र भोयर जी, श्री विजय शेंद्रे जी, वे भी कृपया आ जाएं मंच पर। मैं श्री राघवेंद्र तिवारी जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे भी आए और गुरु जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए उनके चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। अधिक समय न लगाते हुए श्री मनोज कुमार सिंह साहब जो झारखंड से आए, वे भी आमंत्रित हैं।
वे भी गुरु जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से हमारे आज के मुख्य मार्गदर्शक और हमारी कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रदीप मित्तल जी का स्वागत करने के लिए भाई संदीप अग्रवाल, अरुण अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रदीप जी का स्वागत अभिनंदन हमारी यथेष्ट परंपरा के अनुसार करें, और मित्तल जी से भी आग्रह है कि वे हमारे इस छोटे से अनुनय को स्वीकार करें और उनके निर्देशानुसार मैं कार्यक्रम को शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बीच जैसी कि सूचना मिली थी, माननीय नितिन जी गडकरी भी आने की सूचना है, लेकिन उन्हें कुछ विलंब हो सकता है। हमारे बीच श्री अशोक अग्रवाल जी, जो इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के चेयरमैन है, वे भी आने की संभावना है। जाजू जी पधार चुके हैं। हमारे बीच जो देश का खादी बोर्ड, खादी महामंडल है, उसके आदरणीय जयप्रकाश जी गुप्ता, उनका भी स्वागत करने के लिए मैं भाई संदीप अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनको पुष्पमाला और दुपट्टा देकर सम्मानित करें, और उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। ये हमारे लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि हम आज मंच पर गुरु जी के सानिध्य में उनका भी जो है यहाँ अभिनंदन स्वागत महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन की ओर से कर रहे हैं। मैं हमारे अग्रसेन मंडल के यदि कोई पदाधिकारी यहाँ मौजूद हो तो मैं भाई संदीप अग्रवाल, जो अग्रसेन मंडल के उपाध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष के नाते भी वो गुरुजी को चरणों में पुष्प अर्पण कर दें। और अधिक समय न लेते हुए बस एक आखिरी के क्रम में कुछ और स्वागत के क्रम को विराम देते हुए मैं अंत में मेरा दुर्गा प्रसाद अग्रवाल और सविता अग्रवाल की ओर से गुरुजी के चरणों में अपने अभिनंदन अर्पित कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और अब मैं महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए उनसे विनती करता हूँ कि वो अपने ज्ञान की गंगा से इस हॉल में उपस्थित सभी को अपना आशीर्वाद रूपी ज्ञान दें। परम श्रद्धे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। माइक ऑन कर दें गुरुजी वाला। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतपर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। एक दो मिनट के लिए भगवान का पावन मंगलमय नाम सब एक बार उच्चारण कर लेते हैं। वाणी की सार्थकता, मन की एकाग्रता और समूचे वातावरण में सात्विकता हेतु भगवान नाम अत्यंत प्रभावी माध्यम है। आइए मिलकर भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गो। हम म्यूजिक वाला साउंड थोड़ा कम, बिल्कुल ना मत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता पढ़े और गीता पढ़ाए गीता पढ़े और गीता पढ़ाए आप जगे औरों को जगाए आप जगे औरों को जगाए गीता पढ़े और गीता पढ़ाए गीता पढ़े और गीता पढ़ाए आप हंसे औरों को हंसाए आप हंसे औरों गीता को जीवन का गीत बनाए गीता को जीवन का गीत बनाए गीता को जीवन का गीत बनाए हे नाथ नारायण वासुदेवा गीता को जीवन का गीत बनाए
नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वंदे भारत मातरम्, वंदे गुरु परंपरा। पावन पवित्र अवसर चैत्र नवरात्र चल रहा है। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष दो दिन पूर्व ही, जिसकी प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा के रूप में अपने भारतीय हिंदू नववर्ष के रूप में हमने अभिनंदन किया, और वही क्रम चैत्र नवरात्रों का आज चतुर्थ नवरात्र संयोग यहाँ श्री सुरेश भट्ट सभागृह में महाराष्ट्र अग्रवाल सम्मेलन और नागपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन के सौजन्य से एक दिन का यह गीता सत्संग, गीता प्रेरणाओं का आयोजन। इससे पूर्व इस समय के साथ कुछ सत्सूत्रात्मक प्रेरणाओं के रूप में हम प्रवेश करें सत्संग वार्ता में, एक संकेत कि भले ही आप कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन सीधा सजग बैठने का प्रयास करें कुछ देर के लिए, कुर्सी पर गिरकर नहीं, सजगता के साथ। दूसरा संकेत यह, मंच पर, मंच के पीछे या मंच के समक्ष सत्संग के मध्य आपस में वार्ता नहीं, आपस में बातचीत नहीं। और तीसरा संकेत कि जितना समय सत्संग के रूप में अब हमारे पास है, इसमें मोबाइल का प्रयोग नहीं, स्वयं भी कुछ मिनट अपने को शांत और मोबाइल को भी शांत रखने का मन बनाए, ताकि सत्संग को हम सत्संग के रूप में ले पाए। श्रीमद् भगवद गीता
भारत का गौरव ग्रंथ लेकिन समूचे विश्व की एक अत्यंत समीचीन अत्यंत प्रासंगिक प्रेरणा और आवश्यकता। श्रीमद् भगवद् गीता निश्चित और निस्संदेह हिंदुओं की आस्था का गौरव ग्रंथ, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं, समूची मानवता के लिए, सब के लिए है गीता, ये निश्चित है। और आप कुछ देर सुनेंगे तो आपको ऐसा निश्चित रूप से लगेगा भी। हमें हमारी आस्था के मान बिंदुओं पर निश्चित गर्व होना ही चाहिए, लेकिन यह भी एक सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि हमारे ये आस्था के जो मान बिंदु हैं, केंद्र बिंदु हैं, ये केवल हमारे लिए नहीं। जैसे जब गौ माता की वंदना की गई तो हमने केवल गावो भारतस्य मात्रम नहीं कहा, गावो विश्वस्य मात्रा कहा है। गाय संपूर्ण विश्व की माँ है, भेदभाव है ही नहीं। और यही तो वसुदेव कुटुंबकम के रूप में और भगवद गीता के अनुसार वासुदेवः सर्वम के रूप में, यही तो हमारे देश का, हमारी सनातन परंपराओं का गौरव है कि यहाँ संकीर्णता नहीं है, यहाँ भेदभाव की बात नहीं है। यहाँ सिद्धांत की बात जब आती है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कोई महल है या कोई झोंपड़ी है या कोई छोटी कुटिया है, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कोई बहुत बड़ा सेठ है या कोई सामान्य व्यक्ति है। जब सिद्धांत की बात आती है तो निश्चित रूप से वहाँ एक सार्वभौम स्थिति सामने आती है। और यही कारण है कि जब जब संभवामी युगे युगे, भगवद गीता में जो भगवान कहते हैं, पार्थ मैं केवल एक युग में नहीं, एक काल में नहीं, मैं प्रकट होता हूँ, निस्संदेह प्रकट होता हूँ, अवतार लेकर आता हूँ, मानवीय आकार लेकर के आता हूँ, लेकिन संभवामी युगे युगे, युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। और जब जब भगवान प्रकट होते हैं, उन आदर्शों, उन सिद्धांतों, उन परंपराओं और उन अस्मिताओं की स्थापना के लिए, यह जो धर्म संस्थापनार्थ था, ये गीता में कहा गया, ये धर्म संस्थापना कोई मजहब की बात नहीं है, कोई रिलीजन की बात नहीं है, धर्म की स्थापना अर्थात उन आदर्शों की स्थापना, उन परंपराओं की स्थापना, उन मूल्यों की स्थापना, उन अस्मिताओं की स्थापना और उन सिद्धांतों की स्थापना जो जीवन को जीवन बना दें, जो मानवता सिखा दें, जो सद्भावनाओं को स्थापित कर दें, उन दिव्यताओं की स्थापना। और उसमें आप देखें कि स्वयं भी जब भगवान अवतरित होते हैं तो स्वयं भी उन मर्यादाओं को अपने आचरण से स्थापित करते दिखते हैं, केवल उपदेश से नहीं। ये गौरव है भारत का कि यहाँ कोई बात केवल उपदेश के लिए नहीं कही गई, अपने ऋषियों ने अनुमति ही नहीं दी कि कोई बात केवल हम उपदेश के लिए कहें, आचरण ही उपदेश बने। ऋषियों ने ऐसा संदेश दिया, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। ये हमारी परंपरा रही है कि केवल उपदेश की अपेक्षा आदर्श स्थापित करना व्यवहार के द्वारा, ये परंपरा। और स्वयं भगवान अवतार लेकर उस आदर्श की स्थापना करते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि जहाँ सिद्धांत की बात है वहाँ की बड़ा छोटा नहीं, वहाँ तो मेरे लिए केवट का भी उतना ही सम्मान है, मेरे लिए निषाद को गले लगाना भी कोई, मेरे लिए कोई संकोच की स्थिति नहीं है हंस करके और शबरी के पास जा करके शबरी के जूठे बेर खा लेना और शबरी को ये कह देना कि यहाँ राम स्तुति करवाने के लिए नहीं आया, यहाँ तो राम ए भामिनी
तेरे प्रेम की, तेरे भाव की स्तुति करने के लिए आया है। ये विश्व को दिखाया कि परंपराओं की दृष्टि में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं। और इससे यह भी एक अनुमान लग जाना चाहिए कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू सनातन परंपराओं में ये कहीं ना कहीं भेदभाव, कहीं ना कहीं छुआछूत, कहीं ये स्थितियाँ, ऐसा परंपराओं में कहीं नहीं, समता, समरसता, सद्भावना, वो हमारी परंपराओं का सदैव से गौरव रहा है। और भगवद गीता भी उसी की एक व्यवहारिक प्रेरणा है। और इसीलिए प्रारंभ में जो बात कही गई कि गीता हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं, वो संपूर्ण मानवता के लिए है, सबके लिए है। जीव गीता का प्रयास भी है इसीलिए कि भगवद गीता वन क्षेत्रों तक भी पहुँचे, वहाँ भी लगे, भगवद गीता स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे, वो भी समझें कि कितनी बड़ी आवश्यकता है मेरे लिए गीता के सूत्रों की। यहाँ माननीय शंकरानंद जी बैठे हैं, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के, और आज उन्होंने एक पुस्तिका हमें भेंट की और उसमें 108 सूत्र, समस्त शास्त्रों का एक सार विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है। और निश्चित रूप से ऐसी दिव्यताएं आज समय की आवश्यकता है, कि बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बचपन को संभाला जाए, यौवन को संभाला जाए, और वो संभलेगा गीता के संस्कारों के माध्यम से। वरना आप सोचें, जब ये दिखता है कि पढ़ाई स्ट्रेस बनती दिखाई देने लगी है, जब ये दिखता है कि छोटी आयु में ही ये टेंशन, स्ट्रेस और कहीं कहीं डिप्रेशन तक की स्थितियाँ 15-17 साल के बच्चों में, तो निश्चित पीड़ा होती है कि किस बल पर और किस आधार पर हम एक मजबूत भविष्य की कल्पना कर पाएंगे यदि बचपन को ना संभाल पाए। तो जहाँ हम प्रवेश कर रहे थे, तो यहाँ के नागपुर जिला के अग्रवाल सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ बार विचार लिखे हुए थे, कुछ आह्वान भी, कुछ संदेश भी, और उनमें कुछ ऐसा भी था कि बच्चे खाली समय में क्या करें, क्या केवल मोबाइल पर ही लगे रहें, क्या उनका खेलना खाना उसी के साथ ही सिमटता चला जाए, और कितना भविष्य के साथ अन्याय होगा कि यदि खाली समय केवल उस खिलौने के साथ ही व्यतीत हो। और इसीलिए कोई अन्यथा ना ले, यदि ये कहा गया प्रारंभ में कि यहाँ बैठकर कम से कम इतनी देर के लिए हम मोबाइल से अपने आप को थोड़ा सा अलग करके बैठें, तभी तो कुछ समझ आ पाएगा, तभी तो कुछ मन में बैठ पाएगा, और एकाग्रता भी तो तभी बन पाएगी। बच्चों के लिए भी जब जीव गीता के प्रयास प्रारंभ हुए, तो उसमें पहली बात ही यही कही गई कि जब तक बच्चों में एकाग्रता नहीं बनेगी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगी, तब तक अंदर का आत्मविश्वास प्रकट ही नहीं हो पाएगा। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, तब तक ग्रहण करने की क्षमता, ग्रास्पिंग पावर, कैचिंग पावर, विषय को अंदर आत्मसात करने की शक्ति, वो आ ही नहीं सकती जब तक एकाग्रता नहीं होगी। और जब तक एकाग्रता नहीं होगी, तब तक स्मरण शक्ति, मेमोरी अच्छी हो ही नहीं सकती। और भगवद गीता का आधार ही यही है, एकाग्रता कैसे बने, और एकाग्रता बन ही नहीं सकती। आप स्वयं सोचें कि मान लो यहाँ बैठे बैठे आप मोबाइल्स के साथ लगे हुए हैं, तो कितना समय का उपयोग हो पाएगा, क्या क्या बात कान सुन पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यही कारण है संपूर्ण गीता उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक प्रश्न किया। पूरी गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए भगवान से। आप यदि ध्यान से भगवद गीता को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा जहां जहां अर्जुन के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको नहीं लगेगा कि ये 5000
160 वर्ष पूर्व उस अर्जुन के द्वारा किए गए प्रश्न थे। इतने लंबे कालखंड के बीत जाने के पश्चात भी आप जब गीता जी को पढ़ेंगे, अर्जुन के प्रश्नों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरा ही प्रश्न है जो अर्जुन कर रहे हैं, ये तो मेरे ही मन की स्थिति है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण से ये कहते हुए दिखाई देंगे कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम ही कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, लगाना चाहते हैं लेकिन लगता ही नहीं, एकाग्र होता ही नहीं, तो लगेगा ये तो मेरा ही प्रश्न अर्जुन ने किया है। जब अर्जुन ये पूछेंगे कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्षणेय ब्लादिव नियोजिता ही कृष्ण, वो क्या शक्ति है। कई बार होता है ना कि हम ऐसा बोल देते हैं कि हम गुस्सा करना तो नहीं चाहते, लेकिन पता ही नहीं लगता कि अचानक से क्रोध आ जाता है और उस क्रोध में कुछ का कुछ हो जाता है, कोई बोल भी दिया जाता है, कुछ कर भी दिया जाता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि कृष्ण वो क्या है जो ना चाहते हुए भी इंसान से को कहीं ना कहीं किसी बुरी वृत्ति में झोंक देता है, लगा देता, अनिच्छन अपि वार्षणेय बलादिव नियोजिता, मनो बलात् की तरह कुछ ऐसा हो जाता है इंसान, तो लगेगा ये प्रश्न तो सामान्य प्रश्न है। तो अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए, हम सबका प्रतिनिधि बनकर प्रश्न किए, हमारे मन की स्थिति के अनुसार प्रश्न किए, लेकिन पूरा गीता उपदेश होने के पश्चात भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न अर्जुन से किया, पूछा, और हमने ये प्रश्न विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी जब गीता जी का थोड़ा सिद्धांत लिया, भगवान कृष्ण के इस प्रश्न को वहां जोड़ा, जब भगवान कृष्ण कहते हैं एक कुशल आचार्य की भांति अपने शिष्य से कि पार्थ, जो मैंने सुनाया गीता उपदेश वो तूने सुना क्या, कच्ची दे तो श्रुतम पार्थ। अर्जुन ने कहा हां कृष्ण मैंने सुना, लेकिन झट से भगवान ने प्रश्न किया, ये हम सब के लिए विचार के का प्रश्न है। साथ ही पूछा तो ये काग्रण चेतसा पार्थ, जो मैंने सुनाया क्या तूने एकाग्रता से सुना उसे, ये विशेष बात है। आप कहेंगे कि एकाग्रता क्या है, एकाग्रता अपने भारतीय मनोविज्ञान का एक बड़ा विचारणीय भाव है। आप यहां बैठे हैं, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल ग्राउंड के से समझे इसे, आप यहां बैठे हैं, मान लो आपका यहां शरीर है लेकिन मन कुछ और सोचने लग गया, मन कहीं और चला गया, तो आप देखेंगे कि बात को समझना, ग्रहण करना, स्मृति में लेके जाना, मेमोरी में, वो तो बहुत दूर की बात, बात सुन भी नहीं पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि सुनते केवल कान नहीं है, मन साथ होगा तो कान सुनेंगे। ये गीता का सिद्धांत है और ये भारतीय मनोविज्ञान भी है, मन साथ होगा तो कान सुनेंगे। प्रैक्टिकली आप देखिए, कभी आप दो लोग आपस में बात कर रहे हो आमने सामने पास पास, अचानक आपका ध्यान कहीं और चला गया, एक फिर आप उस स्थिति में आए, आप पूछेंगे कि भाई क्या कहा तूने, और वो यदि पूछे तू कहां था, तू कहां थी, तो आप झट से कह देंगे कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। हो जाता है नहीं होता है ऐसा, हो जाता है ना, बस यही स्थिति है जो विचार की है। क्यों नहीं पास खड़े हुए बात सुन पाए, क्योंकि मन कहीं और चला गया। तो सुनता मन है कान के साथ केवल का, और गीता कहती है इसीलिए जब जिस काम में लगो अपनी एकाग्रता वहां साथ जोड़ो, तो ये एकाग्रण चेतसा, तो इसीलिए ये संकेत किया। और बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, अब मान लो एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में मोबाइल है, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप समझ पाए सकते हैं
कि बच्चे का पढ़ाई में एकाग्रता बनेगी क्या? हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गीता ग्रंथ हर क्षेत्र के लिए, मुझे जीवन में क्या चाहिए। एक जब हम आ रहे थे तो एक वाक्य ये भी लिखा हुआ था, हमने देखा कि लक्ष्य क्या है जीवन का, बड़े मोटे शब्दों में बाहर लिखा हुआ है आयोजकों के द्वारा। अब बात करें लक्ष्य की, आज प्रभात में भी जब हम अरुण जी के निवास पर थे तो कुछ लोग बैठे थे, तो एक बात चल पड़ी कि जीवन है किसके लिए। पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? ये एक प्रश्न स्वाभाविक सा रहता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो, जीवन का लक्ष्य है कि इस जीवन को हम अच्छे से जी लें, लोक भी बने परलोक भी बने, ये लक्ष्य है जीवन। लोक में शांति संतुष्टि बनी रहे और परलोक के लिए कुछ हम ऐसे पुण्य की कमाई अर्जित कर लें जो आगे साथ निभाए शांति। आज दिन में एक प्रश्न भी था हमारे से, किसी बहन ने एक प्रश्न किया कि शांति कहाँ से, तो उसके हम थोड़ा एक दो सूत्र गीता जी के अनुसार लेंगे। देखो, एक बात तो आप निश्चित समझेंगे कि शांति हम सबको चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आप में से कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि मुझे शांति नहीं अशांति चाहिए? कोई होगा क्या? चलो, यहां की बात नहीं, कहीं भी कोई होगा क्या जो ये कहे कि मुझे शांति नहीं मुझे अशांति चाहिए? कोई नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। कोई सत्संग में आता है वो भी शांति चाहता है, कोई सत्संग में नहीं आता शांति वो भी चाहता है, कोई अच्छे कर्म करता है शांति वो भी चाहता है, और कोई अच्छे कर्म नहीं करता अपने ढंग से जीता है उसे भी पूछो दुख चाहता है, वो कहेगा नहीं दुख तो नहीं चाहता, मैं चाहता शांति हूं। लेकिन शांति है कहाँ, मिलेगी कहाँ से? हम गीता के अनुसार दो तीन सूत्र लेते हैं और संक्षेप में कुछ सूत्र ही जीवन के ऐसे लेंगे हम जिसको लेके आपको लगे कि गीता कितना व्यवहारिक सा शास्त्र, कितना व्यवहारिक शास्त्र। सबसे पहली बात तो ये कि शांति शरीर का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं, शांति आंख को चाहिए, कान को, नाक को, हाथ को, पांव, किसे चाहिए बताओ? थोड़ा सीधा संवाद बीच बीच में करेंगे ताकि आपका ध्यान यहीं रहे। शांति किसे चाहिए? मन को चाहिए। शांति मन का विषय है, इन इंद्रियों का विषय नहीं है। विज्ञान ने जितना कुछ दिया है, दे रहा है या दे सकता है, जितना कुछ, वो वस्तुतः सब कुछ केवल इंद्रिय सुखों के लिए ही दिया है, केवल इंद्रिय विषयों के लिए। आप जितना खुला चिंतन कर लेना, जितने शॉपिंग मॉल्स आप देखेंगे, शॉपिंग सेंटर्स आप देखेंगे, उसमें जो भी मिलेगा आपको केवल गीता के अनुसार ही देखें तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च, केवल यहीं तक मिले, या खाने की वस्तुएं, या सुनने की, या देखने की, या पहनने की, या सूंघने की, इससे अलग कुछ नहीं। अब शांति चाहिए, क्या आपको लगता है कि नागपुर में कोई ऐसी मार्केट, कोई ऐसा शॉपिंग मॉल जहां ये भी हो कि अलग अलग काउंटर्स आजकल होते हैं ना शॉपिंग मॉल्स में, कि ये वस्तु यहाँ इस काउंटर पे, ये वस्तु इस काउंटर पे, ये इस, तो क्या कहीं कुछ ऐसा है जहाँ कोई एक काउंटर ये भी हो किसी शॉपिंग सेंटर में कि ये काउंटर जो है दिस इज फॉर पीस ऑफ माइंड, फ्रॉम दिस काउंटर यू कैन गेट, यू कैन परचेज पीस ऑफ माइंड, यहां से आपको मन की शांति के लिए काउंटर
है कोई, होगा कोई नहीं है। मन की शांति कहां से मिलेगी? बिल्कुल एक सैद्धांतिक बात है गीता की, व्यवहारिक ग्रंथ है, वैचारिक ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है, बिल्कुल सीधी बात, कोई भी इससे इनकार नहीं करो, कोई कितना पढ़ा लिखा हो, नास्तिक से नास्तिक भी, जबकि ये कहता है ना मैं भगवान को नहीं मानता, तो कोई बात नहीं, नहीं मान, एक बार तो देखता है कि ये कौन सा उत्तर हुआ कि नहीं मान। जब कहते हैं अच्छा भगवान को नहीं चाहता, नहीं मानता, तो शांति चाहता है या नहीं चाहता? तो फिर कहेगा नहीं शांति तो चाहता हूं। अच्छा फिर दूसरा प्रश्न करो यदि कि शांति शाश्वत परमानेंट या टेम्परेरी, कैसी शांति चाहिए? अच्छा आपसे ही पूछें, परमानेंट पीस या टेम्परेरी पीस, कैसी शांति चाहिए? परमानेंट, थोड़ी देर वाली नहीं। वही सीधा सिद्धांत है गीता का कि परमानेंट परमानेंट से ही मिलेगी। परमानेंट सत्ता केवल एक ही है, परमात्मा की, केवल एक परमात्मा। संसार आने जाने वाला है, इसलिए गीता ने कहा आगमा पाइनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। संसार की हर वस्तु आने जाने वाली है, इसलिए उससे मिलने वाला सुख भी सदा रहने वाला नहीं होता, आता भी है जाता भी है। और इसलिए आप देखेंगे जीवन में कभी मन बहुत प्रसन्न होता है, शांत होता है, कभी अशांत हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे जिन्होंने शाश्वत में मन लगा लिया, गीता का सिद्धांत व्यवहार के त्याग का नहीं है बिल्कुल, व्यवहार व्यापार परिवार संसार कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जहां जहां जो जो जिसका कार्य है करो, अच्छे से करो। गीता ने तो ये कहा स्वस्व कर्मण्य विरता संसिद्धिम लभते नरा, अपने अपने कर्म में अपनी पूरी क्षमता लगाओ, ये गीता का सिद्धांत, जो भी कार्य है लेकिन ध्यान में रखकर। शांति मन को चाहिए और शांति का केंद्र परमात्मा है। मन को मन मना भव, गीता ने कहा, गीता के कृष्ण ने कहा मन मेरे में लगा करके। ये सृष्टि की जब रचना हुई उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो जो प्राणी जिनकी रचना हो गई है जरा मेरे सामने भी तो आए, कुछ आए कई प्राणी, ये प्रारंभिक बात है सृष्टि रचना की, आए जो आया कुछ कुछ भगवान ने प्रसाद दिया, अंत में बारी आई मनुष्य की। जैसे ही मनुष्य आया भगवान ने देखा, देखकर अचंभित भी हुए प्रसन्न भी हुए, कुछ देना चाहा मनुष्य को, हाथ आगे किया लेकिन रुक गए, हाथ पीछे लौटा लिया, और जो देना चाह रहे थे वो मनुष्य को ना देख करके अपने चरणों के अपने पांव के तले छिपा लिया, रख दिया। मनुष्य प्रणाम करके वापस लौट गया। लक्ष्मी जी ने पूछा नाथ ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा क्या? कहा और प्राणी आए सबको आपने कुछ कुछ प्रसाद दिया, और प्रकृति की ये सर्वोत्तम रचना मनुष्य जब आया आपने इसे ऐसे ही लौटा दिया, कुछ देने भी लगे हाथ पीछे कर लिया, और जो देने लगे थे
उसे अपने चरणों के नीचे रख लिया, ये सब क्या? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, देवी मैं मनुष्य को वास्तव में ऐसा प्रसाद देना चाह रहा था कि जिसके पश्चात मनुष्य को कुछ और कभी आवश्यकता ही ना पड़े। रुक क्यों गए? लक्ष्मी जी ने पूछा। कहा, इसलिए क्योंकि जो प्रसाद दे रहा था, मुझे लगा ये प्रसाद इतनी सहजता में दे दिया तो फिर तो मनुष्य इधर मेरी ओर आएगा ही नहीं कभी। कहा, वो था क्या और उसे अपने चरणों के नीचे आपने क्यों रख लिया? भगवान ने कहा, देवी ये प्रसाद था शाश्वत शांति, परम शांति का देने लगा था, लेकिन चरणों में इसलिए रख लिया कि मनुष्य कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, कुछ भी बन जाए, कुछ भी पा ले, लेकिन मानसिक शांति के लिए, परमानेंट पीस के लिए, तो इस मनुष्य को इन चरणों के पास आना ही पड़ेगा। ये प्रसाद इसका है, इसके लिए है, लेकिन रखा है यहाँ इन चरणों में, जब आएगा तो यहाँ से प्राप्त कर लेगा। ये गीत ऐसे ही नहीं गा दिए महापुरुषों ने कि मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा केवल, एक लाइन सब मिलकर गुनगुना लें ताकि मन समझ ले कि शांति कहाँ। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल। जिन्हें लगता है आवश्यकता वो एक बार अवश्य गुनगुनाए और मन को समझा लें, ये सच्चा सुख तो वहीं मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित ना विचलित मेरा हो, पर चित ना विचलित मेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में, पर मन ना डगमग मेरा भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में दयावान तुम्हारे चरणों घन श्याम तुम्हारे चरणों में घन श्याम तुम्हारे चरणों में। यहां इसमें दो प्रश्नों का उत्तर भी छिपा है इस बात में। एक तो ये जो लोग ये पूछते हैं या कहते हैं कि जीवन में भगवान की क्या आवश्यकता है, भगवान के नाम की क्या आवश्यकता है, नाम स्मरण की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है भगवान के लिए समय लगाने की, उनके लिए ये उत्तर है कि यदि मानसिक शांति चाहिए उसका दूसरा विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं उसका। मानसिक शांति जब भी मिलेगी, जिसे भी मिलेगी, जहां भी मिलेगी, या यूं कह लो कि जब भी मिली, जिसे भी मिली, जहां भी मिली, वो भगवान के नाम से मिली, भगवान के ध्यान से मिली, भगवान के चरणों से मिली। कोई विकल्प है था भी नहीं, कोई उदाहरण भी नहीं आप बता पाओगे दूसरा। इसलिए आवश्यक है भगवान का नाम, भगवान जीवन। और एक बात और भी कि भगवद गीता में जब भगवान बार बार एक बात पर आग्रह करते हैं कि पार्थ तू व्यवहार कर, अपने कर्म कर, लेकिन मनमना भव, मन मेरे में लगा, तो वहां ये प्रश्न उठता है क्यों मन भगवान में लगाए। देखो साफ सी बात है, मन संसार में लगेगा तो कहीं ना कहीं टेंशन लेकर के आएगा। अब व्यवहारिक धरातल पर भी सोचे और आजमा के देखना, गीता केवल सुनने का शास्त्र नहीं, केवल सुनाने का शास्त्र भी नहीं, गीता प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने का, व्यवहारिक रूप में आजमाने का शास्त्र है। और कभी भी आप देखना प्रैक्टिकली, जब मन में संसार का चिंतन बहुत अधिक चल रहा होगा, बहुत अधिक संसार की यादें, संसार की सोच, संसार का चिंतन चल रहा होगा, तो मन उतना ही अस्थिर अशांत हो रहा होगा। लेकिन जिस समय मन में भगवान कृपा करें ये स्थिति आज से हम सब की बने, जब मन में भगवान का नाम स्मरण, भगवान की याद, भगवान का ध्यान जब मन में चल रहा होगा, तो आप निश्चित आपको लगेगा स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक शांति। करोड़ों रुपया खर्च करके भी जो शांति मन की नहीं मिलती, वो एक क्षण भगवान के ध्यान में मन के लगने से निश्चित मिल जाती है। और इसीलिए आप पाएंगे कि भारत में कंस सब कुछ पाकर भी आपको अशांत दिखेगा। विशाल साम्राज्य है, धन है, वैभव, सब कुछ है, सब कुछ पाकर भी अशांत, संशय, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आवेश, सहमापन, ये सब आपको कंस के साथ साथ दिखेगा। लेकिन दूसरा उदाहरण ये भी तो आपके सामने है ना, उसी युग में, उसी काल में सुदामा पुराने वस्त्र हैं, टूटी फूटी झोंपड़ी है, खाने को है या नहीं है निश्चित नहीं है, लेकिन मानसिक शांति निश्चित है, मन संतुष्ट है, शांत है, प्रसन्न, हर स्थिति में बिल्कुल सहज शांत। और यही तो कारण है कि वही कन्हैया जो कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं, वही कन्हैया द्वारका जी में निर्धन सुदामा के आने पर और केवल सुदामा का शब्द कान में पड़ने पर वही कन्हैया आसन छोड़कर उठ भागते हैं और सुदामा को अंदर लिवा करके अपने आसन पर बिठाते हैं और सुदामा के चरणों के पास बैठ जाते हैं। अब दोनों उदाहरण देखें, एक ओर कंस को ऊंचे आसन से नीचे पटकते हैं और एक ओर
सुदामा के लिए अपना आसन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सुदामा वो दिव्यता है। एक व्यवहारिक प्रेरणा आप यहां से गीता की लेंगे कि कैसे व्यवहार में गीता मानसिक शांति सुनिश्चित करती है, अनुकूलता है। ये सूत्र भी समत्वम योग उच्चते गीता का है, अनुकूलताएं हैं। एक बात आज से व्यवहार में लाना, अनुकूलता में कभी अहंकार को ना जागने देना। अहंकार न मन में आए कि मेरे पास बहुत कुछ है, या मैं इसलिए बहुत बड़ा हूं कि मेरे पास इतना बड़ा प्राय हो जाता है। अनुकूलताएं मिले, भगवान कृपा करें सबको मिले, लेकिन अनुकूलता मिलने पर भाव ये बनाकर देखना कि प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। इस रूप कोई भी पदार्थ मिल रहा है मेरे नाथ, इस रूप में आपकी ही कृपा मिली है। प्रतिकूलता है, जीवन है, देखो दिन है तो रात है ही ना, रोज देखते हैं हम। लेकिन ये भी तो निश्चित है ना कि रात का अंधेरा सदा नहीं रहता, प्रभात फिर हो जाती है। ऐसे ही संसार में कहीं सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, ये आने जाने का चक्र। तो कहीं ना कहीं अनुकूलता आती है, कहीं प्रतिकूलता भी कुछ हो जाती है। जब अनुकूलता आए भगवान की कृपा का एहसास, जब अनुकूलता नहीं है कोई प्रतिकूलता है, ये भी कोई आपकी इच्छा होगी मन स्थिर करने। सुदामा के पास साधन नहीं है तो भी भगवान की इच्छा में संतुष्ट, और जब राजमहल मिल जाते हैं तो भी सुदामा प्रवेश नहीं कर रहा होता, द्वार पर खड़ा हो जाता है। जब पत्नी बुलाती है, सुशीला कहती है अंदर आने के लिए, सुदामा वहीं दंडवत करते हैं। पूछती है सुशीला, किसको प्रणाम कर रहे हो यहां, यहां कौन है सामने? कहा उसकी कृपा को प्रणाम कर रहा जिसने झोंपड़ी से महल बना दिया। स्मरण में वो जिसने झोंपड़ी से महल बना दिया, उसकी कृपा को प्रणाम कर रहा हूं और उससे प्रार्थना कर रहा हूं कि कृष्ण तूने भले ही ये महल दे दिया, लेकिन इतनी कृपा बनाए रखना कि ये महल पाकर भी मैं तुझे भूल ना जाऊं, तेरा स्मरण बना रहे, बस शांति। यहां व्यवहार करते हुए अनुकूलता प्रतिकूलता, गीता ने कहा दोनों में समभाव बना करके रखो, प्रयास करो अपने चिंतन में, अपने विचार में संकीर्णता ना आए, नकारात्मकता ना आए। भगवद गीता ने यह कहा श्रद्धा में वयम पुरुषः युज श्रद्धा साइव सा। गीता का एक बड़ा व्यवहारिक सा भाव है कि मनुष्य केवल बाहर का शरीर ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं, मनुष्य का वास्तविक चित्र नहीं, अंदर के विचार, अंदर का भाव, वो इसका मनुष्य का वास्तविक चित्र है। और इसलिए प्रयास करो कि विचारों में नेगेटिव थिंकिंग नहीं। कई बार होता क्या है कि बहुत कुछ अनुकूल है लेकिन एक आध कुछ अनुकूल नहीं है बात, मन वहीं अटक जाता है ये क्यों नहीं है। गीता कहती है कि जो है उसका उसकी कृपा मानकर आनंद लो, सदुपयोग करो, जो नहीं है उसको अपनी टेंशन ना बनाओ। लेकिन व्यवहार में प्राय यही होता है कि एक कमी है मन वहीं अटक जाता है ये क्यों नहीं। एक व्यक्ति कहीं चल रहे थे, जा रहे होंगे कहीं, पांव में कहीं ठोकर लग गई और ठोकर लगी तो पांव का अंगूठा कुछ थोड़ा सा चोट सी लगी, कुछ रक्त स्राव, खून बहने लगा, एकदम टेंशन आवेश, ये क्या हो गया, भगवान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कई बार होता है
अनुकूलता में भगवान का धन्यवाद करें ना करें, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता होगी तो शिकवा जरूर कर देंगे भगवान को। भगवान ने, कई लोग तो यहाँ तक भी बोल देते हैं, नागपुर वाले तो नहीं बोलते होंगे, खैर ये हाँ बाहर की बात है ये, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कई बार कि भगवान को कह देंगे मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा, मैंने क्या बिगाड़ा था, जरा सी चोट लगी और ऐसा बोलने लगे। करते करते जहाँ जाना था तो लिफ्ट में से ऊपर के फ्लोर पे जाना था, जैसे ही वो सज्जन लिफ्ट में गए तो वहाँ देखा कि एक बंधु व्हील चेयर पर बैठे हैं, दोनों पैर नहीं है लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत और हल्का हल्का कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तो बड़े शांत भाव से गुनगुना रहे थे। अब जिसके पांव पर हल्की सी चोट थी, अब विचार देखना कि सुख कहाँ है दुख कहाँ है इस छोटी सी घटना से, वो देखता रह गया उसे कि मेरे पांव पर हल्की सी चोट लगी और मैं तब से परेशान हुए जा रहा हूं और इसके दोनों पैर ही नहीं तो भी ये कितना शांत दिखाई दे रहा है और कैसे भाव में गुनगुना रहा है बैठा, और रहा नहीं गया उससे। उसने कहा भाई एक बात बता, तेरे दोनों पैर नहीं हैं और तो भी तो इतना शांत यहां ऐसे गुनगुना रहा है जैसे कुछ है ही नहीं तुझे, कारण क्या है? और जो उस व्यक्ति ने, जो उस दिव्यांग बंधु ने जिसके दोनों पांव नहीं है उत्तर दिया, उसे अब ध्यान से समझना और इस बात पर भी ध्यान देना कि जिसे कृपा को स्वीकारना है, अब ना स्वीकार करना हो कृपा को तो बहुत कुछ पाकर भी इंसान हम देखते अहम में जिए जाए, ईगो मैं, हम तो ये यहाँ तक सबको कहते हैं। आज कोई बंधु मिलने आए अपने सुनील मान सिंह बैठे हैं उनके साथ है, तो गौ सेवा का परिचय दे रहे थे कि इनके पास ये विभाग, इनके पास ये विभाग, तो कईयों का परिचय दिया, तो हमने एक वाक्य में शुभकामना दिए, हमने कहा कि गौ माता ने अपनी कृपा से आपको अपनी सेवा का सौभाग्य दिया है, ये मानकर सेवा में आगे बढ़ते रहो। अहम ना जगे, कहीं भी हम हैं, किसी संस्था में हैं, कोई अच्छा कार्य प्रभु हमारे से करवा रहे हैं, उसके दो अर्थ होते हैं, एक तो पद को लेकर अहम आ जाना और एक ये भाव जागृत हो जाना, यहां गीता समझ में आएगी कि भगवान ने कृपा करके मुझे इस योग्य समझा है और मैं सेवा की कर पा रहा हूं, ये उसकी कृपा है, ये कृपा है। देखना हो तो कृपा को कहीं भी देख लिया जाएगा, अनुभव कर लिया जाएगा कहीं से भी। एक बद्रीनाथ में सच्ची घटना, एक संत थे, सर्दी गर्मी कौपीन में ही रहते थे लेकिन हर समय भगवान को, मेरे नाथ आपकी कृपा, आपकी कृपा, आपकी कृपा, आनंद में। किसी ने एक बार पूछ लिया कि महाराज आपके पास है क्या
जो हर समय कृपा 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 करते रहते हो, ये कॉपी नहीं तो है। तो जानते हो उस संत ने उत्तर क्या दिया? उस संत ने कहा कि भाई, जब मैं दुनिया में आया था तब तो ये कॉपीन भी नहीं थी, ये कॉपीन भी है, ये भी उसकी कृपा है, ये भी उसकी कृपा है। आया था तब तो ये भी नहीं थी। तो कृपा कहीं भी ढूंढ सकते। अब उस दिव्यांग बंधु की देखें आप, जब पूछा जिसको चोट लगी थी कि मुझे जरा सी चोट लगी और मैं परेशान हुआ जा रहा हूं, और आपके दोनों पांव नहीं हैं, तो आप आनंद से गुनगुना रहे हो। उस भाई ने कहा, भाई मैं जानता हूं मेरे पांव नहीं हैं, लेकिन भगवान ने मुझे दो आंखें दे रखी हैं, मैं संसार को देख लेता हूं। भगवान ने मुझे कान दे रखे हैं, मैं सुन लेता हूं। भगवान ने मुझे जुबान दे रखी है, मैं अच्छे से बोल लेता हूं, अपनी बात कह लेता हूं। भगवान ने मुझे अच्छा मस्तिष्क दे रखा है और हाथ दे रखे हैं, मैं मस्तिष्क से विचार करके कुछ योजनाएं हाथों से उनको एग्जीक्यूट करता रहता हूं। मैं कभी भी जो नहीं है वो सोचकर कभी परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जो है उसका उपयोग करके उसका आनंद लेने का प्रयास करता हूं। उसे भगवान की मौज मानकर, कृपा मानकर, उसका सदुपयोग करके आनंद लेने का प्रयास। तो गीता कहती है कि चिंतन ही आपका आपको उठाएगा, उद्रेदात्मना आत्मानम ना आत्मानम और साध्य। जब गीता ने कहा कि मानव अपने आप से अपने आप को उठा, अपने आप को गिरा नहीं, ये उठना और गिरना क्या है? सोच ही उठाती है, सोच ही गिराती है। सोच ही शांत करेगी और आपके विचार ही आपको अशांत करेंगे। नेगेटिव थिंकिंग अशांति का कारण बनेगी। और ये ध्यान रखें, सब कुछ होकर भी यदि थिंकिंग नेगेटिव बनी रहती है, नकारात्मक सोच हावी रहती है, तो बुरा नहीं मनाना, शांति नहीं होगी। साधन कम हैं, ये नहीं व्यासपीठ से कि कम हो, भगवान कृपा करे खूब मिले, खूब मिले, लेकिन कम भी है यदि साधन, लेकिन यदि आपकी सोच संकीर्ण नहीं, नकारात्मक नहीं, सोच खुली है। आपको बताया ना सुदामा की बात और बद्रीनाथ के उस संत की बात कि केवल एक कौपीन और तो भी कृपा। और ये जो उदाहरण दिया कि पांव नहीं है, और उत्तर क्या दिया? जो नहीं है मैं उसको सोचकर परेशानी को हावी नहीं होने देता, जो है उसे उसकी कृपा मानकर उपयोग करके आनंद ले रहा हूं जीवन का। तो शांति कहाँ है, ये प्रश्न था। शांति सकारात्मक सोच में है। शांति वहां है जहां सोच में उसकी कृपा का भाव है, एहसास है। तो प्रयास करें गीता को इस रूप में अपने साथ लेकर जीने का। सच में भगवद गीता को यदि आप अपना साथी बना लेंगे, सारथी भी है। अर्जुन ने यही तो कहा था ना कृष्ण को, जब भगवान ने कहा या सेना मांग लो, अस्त्र शस्त्र मांग लो, या मुझे निहत्थे को मांग लो। अर्जुन ने कहा मुझे तो आप चाहिए, केवल आप। दुर्योधन ने सेना ले ली, और भगवान ने जब पूछा पार्थ करेगा क्या मेरा युद्ध, करूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं, करेगा क्या युद्ध में मेरा? कहा कृष्ण आपको साथी भी बनाऊंगा और आपको सारथी भी बनाऊंगा। और केवल महाभारत युद्ध के उस रथ का सारथी ही नहीं, जीवन रथ का सारथी भी आपको बनाऊंगा। और ये निश्चित कर लूंगा आज से कि जो बिगड़े सो तेरा नाथ, मेरा क्या बिगड़े, और जो संवरे सो तेरा नाथ, मेरा क्या संवरे। सारथी, तो भगवान को साथी भी बना के जियो, सारथी भी बना के जियो, गीता को बिल्कुल अपने साथ, एक एक वाक्य गीता का यदि आप नियमित थोड़ा थोड़ा समय निकालें गीता पाठ करने का,
आजकल के वातावरण में बस संक्षेप में हैं, 5-7 मिनट में हैं, विश्राम की ओर आरती की ओर बढ़ेंगे। देखो आजकल के वातावरण में ये निश्चित है कि वैज्ञानिक सुविधाएं बढ़ी हैं, बाहर का तामझाम बहुत बड़ा है, बाहर का विकास भरपूर हुआ है। समय के साथ विकास बुरा नहीं होता, समय के साथ आगे बढ़ना बुरा नहीं है, कहीं गीता ने नहीं कहा। और जियो गीता के जो स्लोगन्स हैं उनमें एक स्लोगन ये भी है कि गीता पढ़ो, अपने अपने क्षेत्र में खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, कहीं विकास में बाधक नहीं है गीता। लेकिन ये अवश्य है कि मन को मजबूत रखकर आगे बढ़ो। आप अनुमान लगाएं, कमजोर मन से क्या अच्छा जीवन जिया जा सकता है? बताओ, कमजोर मन से क्या अच्छा जीवन जिया जा सकता है? नहीं जिया जा सकता। साधन कितने हैं लेकिन मन कमजोर है तो जीवन को आप संपूर्ण जीवन मानेंगे क्या, अच्छा जीवन मानेंगे क्या? नहीं माना जा सकता। साधन बहुत हैं लेकिन मन अशांत है, बाहर एसी चल रहे हों और अंदर हर समय टेंशन के हीटर जल रहे हों, तो इसे सही जीवन मानोगे आप क्या? बाहर तो खूब ठंडक है लेकिन अंदर चिंताओं की, तो समग्र जीवन तो नहीं है ना, परफेक्ट लाइफ तो नहीं है। गीता परफेक्ट लाइफ की प्रेरणा है, जहां कर्म योग गीता का शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रहकर जीना सिखाता है। कैसे सक्रिय जीवन में जी पाऊं, बिल्कुल एक्टिव अलर्ट, और शरीर को स्वस्थ कैसे, उसके भी सूत्र हैं गीता। गीता वो ग्रंथ है जहां भक्ति योग मन को कैसे मजबूत, मन को कैसे स्थिर, शांत, ऊर्जावान, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, बोल्ड बनाकर जीवन को जी पाए, गीता का भक्ति योग उसकी प्रेरणा है। बुद्धि बिगड़े नहीं, क्योंकि गीता के अनुसार बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि बिगड़ी तो जीवन बिगड़ा। और बड़ प्रैक्टिकल सी बात है कि बुद्धि यदि बिगड़ जाती है सब कुछ बिगड़ने लगता है। और बुद्धि बिगड़ती है कहां, कुसंग में। बुद्धि संवरती है कहां, सत्संग में। हमारे से जब कोई पूछता है कि सत्संग और कुसंग का अंतर, तो एक वाक्य में हम कहते हैं कि कुसंग वो है जो अच्छी भली बुद्धि को बिगाड़ दे, और सत्संग वो है जो बिगड़ी हुई बुद्धि को संवार दे। केवल एक वाक्य में परिभाषा, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि जीवन में किसकी आवश्यकता है। और गीता ने साफ, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि बिगड़ी तो जीवन बिगड़ा। सब कुछ जीवन ही नहीं, कई बार तो कुसंग में पड़े हुए आज का युवक केवल अपना जीवन ही नहीं बिगाड़ता, परिवार की प्रतिष्ठा और सब कुछ दांव पर लगा देता है। बहुत उदाहरण दिखते हैं। प्रैक्टिकली आप देखें कैकेयी के साथ क्या हुआ था, भरत से अधिक प्यार करती थी कि राम को कैकेयी, उसके उदाहरण है। और राम तो करते ही थे, कैकेयी भी राम को भरत से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन कुछ क्षण के कुसंग ने, किसका कुसंग था, किसका कुसंग हुआ था, मंथरा का, कुछ क्षण के कुसंग ने केवल कैकेयी की बुद्धि नहीं बिगाड़ी, अयोध्या के पूरे वातावरण में विष घोल दिया, केवल कुछ क्षण का मंथरा का कुसंग। तो गीता का ज्ञान योग बुद्धि नहीं बिगड़े इसके लिए है, बुद्धि अच्छी रहे, जागरूक रहे, उसके लिए गीता का ज्ञान योग है। और गीता का समत्व योग जो है वो तो वो दिव्यता है जो मेरे देश का गौरव है, मेरे भारत का गौरव है। और जिसने भौतिकवाद ने विश्व को
बाजार की संज्ञा दी, बाजार बनाया, लेकिन गीता के समत्व योग ने विश्व को एक परिवार, होल वर्ल्ड एज वन फैमिली, समूचा विश्व एक परिवार, ये गीता, ये भारत है, ये सनातन है, जहां शरीर, मन, बुद्धि और अध्यात्म, आत्मा की चेतना और फिर सबके अंदर वही एक ही चेतना देख करके प्राणी मात्र में, मनुष्य मत, ये आप विचार करके देखो, ये मेरे भारत के अतिरिक्त कहीं और ये चिंतन मिलेगा क्या? पूरे विश्व में आप देख लो, सब अपने अपने उसके लिए लगे दिखेंगे, कोई धर्मांतरण करके, कोई आतंक फैला करके, केवल हमारा मत बढ़े, हमारा ये बढ़े, हमारा वो बढ़े, लेकिन पूरे विश्व को प्रेम के आगोश में लेने की क्षमता भारत के अतिरिक्त और सनातन के अतिरिक्त कहीं और मिलेगी क्या आपको? जितना खुला अध्ययन कर लो, नहीं मिलेगी। और भगवद गीता ये शास्त्र इसी का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जो तन को अच्छा बनाए, मन को मजबूत बनाए, बुद्धि को बिगड़ने ना दे और अध्यात्म की जागृति करके जीवन को एक आदर्श प्रेरणा बना दे। ये गीता है, बहुत व्यवहारिक ग्रंथ, बहुत प्रेरक ग्रंथ। एक एक शब्द गीता का वस्तुतः बड़ी आवश्यकता है कि आजकल के बचपन में शिक्षा में गीता जुड़े। हरियाणा में पिछले कोविड के दिनों में जो भी समय मिला वो इसीलिए प्रयोग होता रहा कि बच्चों के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं बच्चों के जीवन के लिए, तो हरियाणा सरकार ने बहुत से स्वीकारे भी और बच्चों तक शिक्षा में गीता पहुंच पाए, ऐसे प्रयास और भी अनेक स्थलों में प्रयास हुए। और कुछ प्रयास आज हम प्रेरणा महिला मंडल यहाँ की मेल है, हाँ, प्रेरणा महिला संगठन की कुछ बहनें वहाँ आई जब निवास पर, बात हो रही थी तो उनको बता रहे थे, जब उन्होंने पूछा कि आपकी गतिविधियाँ क्या हैं तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा एक और जोड़ लो साथ जिसकी बड़ी आवश्यकता है, बच्चों को अच्छे संस्कार, और उसके लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रयास चल रहे थे कि जीव गीता की ओर से कोई रविवार में बच्चों को एक डेढ़ घंटा कैसे कोई अच्छी आदत, बड़ा सरल सा एक पाठ्यक्रम उसका तैयार किया गया कि हर रविवार को हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में बच्चों को अच्छे संस्कारों की, कुछ माताएं, कोई बहनें ऐसा एक संकल्प लें। और सच में आज के समय में ये बहुत बड़ा उपकार होगा आपका अगर आप ऐसा कर पाए, भविष्य के भारत के लिए, भविष्य की मानवता के लिए। यदि आपने 10 बच्चों में भी कुछ वो संस्कार प्रैक्टिकल से, बड़े सरल से वो बच्चों तक आपने पहुंचा दिए, तो केवल आपके अपने लिए नहीं, क्योंकि आप सोचें बच्चे अच्छे संस्कारी बनेंगे तो ही तो वो बच्चे आपके भी बनकर रह पाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? संस्कारी बच्चा ही तो आपका भी बनकर रह पाएगा, और बच्चे के संस्कार बिगड़ गए, बुद्धि बिगड़ गई, तो दूसरों के तो क्या सोचना, वो माता पिता का भी सही से बन पाएगा क्या? और ऐसे उदाहरण दिखते हैं। तो इसलिए जीव गीता के कुछ व्यवहारिक से प्रयास चल रहे हैं, कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार मिल पाए, कैसे एक आदर्श ग्रस्त बन पाए। ये जो आपने देखा, प्रदीप जी कैलेंडर रखे हो, ये जो आपने देखा कि अभी जो बंधु या बहनें मंच पर थे तो उनको एक कैलेंडर दिया गया था, अभी नव संवत पर ही ये हुआ, तो ये संभवतः इतने होंगे कि परिवार के अनुसार आप एक एक प्रसाद रूप में ले पाएंगे। अब इसमें 7 दिन के आदर्श ग्रस्त हेतु तो 7 दिन 7 गीता सूत्र दिए हुए हैं, एक एक दिन का एक एक सूत्र, और आप पाएंगे कि परिवार को एक आदर्श ग्रस्त बनाने के लिए कितने व्यवहारिक सूत्र हैं ये गीता के। प्रत्येक सूत्र जैसे परस्परम भावयन्तः,
ये एक सूत्र है, आपसी प्रेम सद्भाव, एक दूसरे के भाव का सम्मान, ऐसे ये सात सूत्र गीता के। तो इस ढंग से गृहस्थ आश्रम के लिए गीता कैसे हो, डॉक्टर्स के लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं गीता, तो जियो गीता के इस ढंग के व्यवहारिक प्रयास हैं भगवद गीता को हर क्षेत्र तक, केवल उस रूप में नहीं, गीता घर घर हो अच्छी बात है सम्मानपूर्व, लेकिन केवल रखने के लिए ना हो, सूत्रात्मक भले छोटे छोटे वाक्य ही बच्चों के लिए, छोटे छोटे वाक्य परिवारों के लिए, तो उस रूप में आओ मिल करके हम प्रयास करें कुछ वातावरण में सद्भावना मिलाने का, मानसिक शांति को सुनिश्चित करने का, सुरक्षित करने का, और परमपिता परमात्मा के इस दिव्य उपहार मनुष्य जीवन को सार्थक करने का, सफल करने का, लोक बनाने का, परलोक बनाने का, और हो सके तो इस जीवन को कहीं समाज कहीं राष्ट्र के लिए भी उपयोगी बनाने का। यहाँ जो एक दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित हुआ महाराष्ट्र अग्रवाल सम्मेलन और नागपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन के सौजन्य से, हमारे प्रदीप मित्तल जी माध्यम बने जो राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं अग्रवाल संगठन के सम्मेलन के, और जियो गीता संस्था जो विश्व भर में प्रयासरत देखो है, केवल एक ही बात हम मानते हैं कि प्रभु ने जिससे जो काम लेना है वो उनकी कृपा है, उनकी लीला है, किससे गौ सेवा कर लेना है तो वो किसी गीता का तो वो, या किसी गृहस्थ के रूप में या समाज सेवा के अन्य रूपों में, वो है उन्हीं की कृपा उन्हीं का भाव। तो प्रदीप जी हमारे जियो गीता के भी महामंत्री हैं और कर्मठता के साथ जियो गीता के उन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, हमारी शुभकामना उनके लिए भी। और यहाँ के अपने महाराष्ट्र अग्रवाल सम्मेलन और विशेष रूप से नागपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन के प्रमुख अपने संदीप जी देश हैं दुर्गा प्रसाद जी और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। प्रेरणा महिला संगठन जो अग्रवाल सम्मेलन का ही एक भाव है, और बहनें बहुत सक्रियता से लगी हुई हैं अपने कार्य में, उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। श्री कृष्ण कृपा परिवार के सभी सदस्यों के लिए शुभकामना, अन्य अन्य संस्थाओं के जो भी शुभ इच्छुजन यहाँ हैं आप सब के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करते हुए प्रार्थना के वाक्य। हाँ, एक ये एक पुस्तिका लगभग सभी को दी गई है, सभी के पास है या हाँ, किन किन के पास नहीं है वो हाथ खड़ा करें। हाँ, कई लोग हैं अभी तो, अभिजीत ऋषिकेश हैं और या नहीं, ये रखिए जी, अच्छा ये रखी हुई हैं अभी तो जाते हुए ले लेंगे जिनके पास नहीं हैं। और इसमें नित्य प्रति गीता जी से हम कैसे थोड़ा सा जुड़ पाएं, इसके लिए बहुत व्यवहारिक प्रयोग है, लिखा हुआ है सब 18 श्लोक हैं गीता जी के, प्रत्येक अध्याय का एक श्लोक, केवल 5 मिनट लगेंगे एक बार आप पढ़ेंगे पाठ कर लेंगे तो। संस्कृत में करें, सरल संस्कृत भी साथ दी हुई है, संधि छेद नहीं है, केवल इस रूप में लिया गया है ये पढ़ने में आसानी हो। और हिंदी में काव्य अनुवाद भी है, अगर आप बिल्कुल ना कर पाए तो समय अर्थ समझने के लिए वो भी। या अभी पीछे गीता जयंती पे एक आह्वान था, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, इस बार गीता जयंती पे हम चाहेंगे कि पहले से ही नागपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन और सभी संस्थाएं मिलके उस गीता जयंती का त्यौहार भी और अच्छे से आयोजित करें। तो 3 श्लोक वो दिए हुए हैं, भोजन प्रसाद से पूर्व केवल एक श्लोक यदि आप कर लिया करेंगे गीता जी का लिखा हुआ श्लोक, 30 सेकंड का समय लगेगा, और इसमें दिया हुआ है कि भोजन पाचन शक्ति की वृद्धि ठीक करने के लिए
और भोजन को आरोग्यवर्धक प्रसाद बनाने के लिए एक श्लोक गीता का, और इसमें रात्रि विश्राम से पूर्व भी केवल एक श्लोक करके दिन भर का जो भी है भगवान के अर्पण करके विश्राम में जाएं, वो दिया हुआ है इसमें। और एक शांति सद्भाव प्रार्थना बच्चे, और ये सात सूत्र जो कैलेंडर में हैं, ये इस पुस्तिका में भी वो सात सूत्र, सात दिन के सात सूत्र इस पुस्तिका में भी दिए गए हैं। ये भी अभी नव संवत पर ही प्रकाशित हुए, तो बच्चे मिलकर दो तीन मिनट की प्रार्थना भी उसी के साथ समापन करेंगे इस कार्यक्रम को। तो ये लास्ट पेज पे प्रार्थना है और एक समरस की। तो ये इतना सा दिन भर में 5-7-10 मिनट का पूरे दिन के लिए है, ये आप कर लिया करेंगे तो गीता निश्चित आपके जीवन का बहुत मधुर गीत बन जाएगी। और यही एक अपेक्षा है आपसे, यही अपेक्षा आपसे करते हुए कि आज के इस सत्संग के पश्चात आप निश्चित ही गीता पाठ से जुड़ेंगे, गीता भाव से जुड़ेंगे और जीव गीता के इस आह्वान के साथ कि हर घर में हर बच्चे तक गीता पहुँचे, हर क्षेत्र तक गीता पहुँचे, उस भाव से जुड़ेंगे। दो तीन मिनट की ये शांति सद्भाव प्रार्थना अंतिम कवर पेज के भीतर है, निकाल लेंगे या पीछे दोहरा लेंगे, उसके बाद प्रार्थना बोलकर आरती करनी। आरती दुर्गा आरती की तैयारी है या प्रार्थना ही बोल ले? आरती करेंगे। पेज नंबर 15 पर है ये प्रार्थना, आइए मिलकर सभी भाव से करें। कवर पेज जो है इसका अंदर का। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बन कर बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए, ऐसा साहस विश्वास दो भर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी छा जाए आह्लाद मिट जाए विषा, छा जाए आह्लाद मिट जाए विषा, सुख शांति सद भावना हो घर घर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। युक्त हो शुद्ध हो आहार व्यवहार, याद बनी रहे प्रभु तेरी हर पल। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। भारत माता का मान बढ़ाए, जियो गीता की प्रेरणा पाकर। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा
प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा, घर घर में गीता जी का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गौ सेवा और गीता पाठ, 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 नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। मिलकर भाव से हम सभी आरती, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, गीता माता की, भगवती गीता माता की, गीता माता की, भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाएं। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा धोवे मन का कलमश सारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, आओ करे स्नान पा कृपा सुख दाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, जीवन का उत्थान है गीता, भारत की पहचान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, राग द्वेष भव भय नाशक दुख शोक तराता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, समता त्याग सिखावन हारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी, वत्सल्यमय गीता प्यारी, प्रेम करुण मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की, आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, करुणामय मां करुणा कर दो, श्री कृष्ण कृपा का ऐसा भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो, सुख दुख मान अपमान सभी लीला विधाता की, आओ
पिता माता की जय। आप सभी से पुनः संकेत करते कि जो भाई बहन भी श्री कृष्ण कृपा जियो गीता से पूज्य महाराज जी से और गीता जी के किन्हीं भी भावों से आप जुड़ना चाहे, आप अपना नाम पता फोन नंबर हमें अवश्य लिखवाएं। बाहर भी हमारे नीचे काउंटर पर गेट के पास हेलो हमारे भैया बैठे हैं, आप उन्हें नाम पता फोन नंबर लिखवाएं और जुड़े गीता जी के भावों के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देखिए नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, कृपया सब जन मंच पे ना आए। महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन नागपुर जिला के जो कार्यकारिणी है उन्हें मैं क्रम के साथ बुलाऊंगा, एक एक करके मंच पर आए और गुरुजी का आशीर्वाद ले। नागपुर जिला कार्यकारिणी के सदस्य वे मंच पर आए और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी के साथ प्रेरणा महिला संगठन की जो महिलाएं वे भी मंच पर आए, गुरुजी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और सभी से निवेदन है कि नीचे हॉल में प्रसाद की व्यवस्था की गई है, प्रसाद अवश्य लेके जाए। कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर हाल में। थोड़ी सी माइक की वॉल्यूम बढ़ा देना ऊपर मंच पे। दोनों हाथों से ताली की सेवा करें सभी, माइक की वॉल्यूम बढ़ा दें। कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर हाल में, कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर हाल में। याद भूले ना कभी भी किसी काल में, कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर हाल में। दुख लाभ हानि हार हो या जीत, मन में तो सदा चरण कमलों की प्रीत हो। सुख दुख लाभ हानि हार हो या जीत हो, मन में तो सदा चरण कमलों की प्रीत हो। उलझ जाओ न जग जंजाल में, उलझ जाओ न जग जंजाल में। कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर हाल में। कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो। कृष्ण कृपा करो
कृपा करो कृष्ण कृपा करो कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर हाल में सभी से निवेदन है करबद्ध कि वे कृपया एक पंक्ति में चले और हमारे कार्यकर्ता जो है हमारी सभी बहनें एक लाइन में चलिए सभी को गुरुजी का आशीर्वाद प्रसाद मिलेगा सभी बहनें मंच पर इस प्रकार से मत गलती कीजिए नहीं तो मंच टूट जाएगा श्री कृष्ण कृपा ही स्वासों की सरगम श्री कृष्ण कृपा ही हृदय की धड़कन श्री कृष्ण कृपा ही स्वासों की सरगम श्री कृष्ण कृपा ही हृदय की धड़कन उत्तर कृष्ण कृपा ही हर सवाल में उत्तर कृष्ण कृपा ही हर सवाल में कृपा बनी रहे प्रभु आपकी हर हाल में कृपा करो कृपा करो कृपा करो